गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं ले चलता हूँ आपको ऐसी खूबसूरत जगह पे, जिस जगह को देख के आपको भी लगेगा कि हमें भी उत्तराखंड में होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज अपने एक छोटे से मित्र के पास, जो कि मेरा सब्सक्राइबर है और मुझे इनवाइट किया अपने घर पे। तो मैं दिखाता हूँ आज आपको वो जगह जिसके लिए मैं कई दिनों से देखने के लिए बेताब था, और मैं चलता हूँ अब उन वादियों की ओर जो वादियाँ मेरे ठीक सामने हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये सामने पड़ता है हिमालय पर्वत, जिनके ऊपर के अभी बादल छाया हुआ है, और मैं इसको लेफ्ट स्लाइम करके आपको ये पूरा दिखाऊंगा। तो भाई चलते हैं इशू के पास। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है शांत आर्य और मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे गांव का नाम कालाखेत है। और आज पहुंचा हूँ मैं कालाखेत, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, जहाँ से कि हिमालय पर्वत बिल्कुल नजदीकी पे दिखाई देता है, और यहाँ के बादलों की बात करो ना, सच में बहुत ही आप खूबसूरत नजर आता है यहाँ से, ये देखिए आप। और इस लोकेशन की बात करें तो इस लोकेशन में आपको बताता हूँ, सामने की ये बड़े बड़े पत्थरों वाले पहाड़ आप देख सकते हैं, बीच में हरी हरी घास, और ये मकान पुराने वाले बहुत ही अमेजिंग है, अब ये दिखने को बहुत कम मिलते हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा लोकेशन यहाँ पे, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। पे ठंड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सामने जो है हिमालय पर्वत है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैकेट पहने हुआ हूँ, अभी खैर सुबह है और हवा चल रही है ठंडी एकदम, और ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हाथों पे ना करंट लग रहा हो, बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत चील रहता है। और बता दें कि मैं 10-15 दिन के बाद यहाँ पे जो नलों का पाइप है ना, जिन नलों में पानी आता है, वो पानी जम जाता है, इतना ठंड पड़ता है यहाँ पे, और हल्की हल्की यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, और मौसम थोड़ा बारिश हो जाए तो यहाँ पे जल्दी बर्फबारी भी होने के पूरे चांसेस होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इंडिया में जुगाड़ की कमी नहीं है, हम लोगों ने भी बड़ा जुगाड़ बनाया है। आप दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, ये हमारा जो कैमरा है, ये टाइम लैप्स पे है, मेरा फोन लगा हुआ है यहाँ पे, और हमने बड़ा पत्थर वत्थर रख के इसको एडजस्टमेंट किया है। ये बांस का बम्बू है, और ये बांस के बम्बू के चारों तरफ लगाए हैं पत्थर, और ये बना दी हमने स्टैंड। इधर ही लिया, क्या ला रखा भाई? ये सरप्राइज है। सरप्राइज है, वाह, देखते हैं क्या। सो फ्रेंड्स, देखते हैं, इशू मुझसे बोलो सरप्राइज है, क्या है भाई ये? दिस इज मलाई। ओहो, सो फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ मैं, ये है मलाई, और ये कटोरी भर के, यस, अरे बाप रे, और ये है भाई गरम गरम चाय, और ये क्या है? ये है, इन्हें को गढ़वाली में कहते हैं स्वाल। स्वाल, अरे वाह, तो ये है स्वाल, जो कि स्वाल पे ही तो यहाँ पे तेल लगाते हैं, बट मैंने तेल नहीं लगवाया, तो देखते हैं खा के कितना मजा आता है। सच में यहाँ पे इशू जो खाना बहुत अच्छा लेके आया। तो ओहो, ये क्या है? ये है चिंकी। हाँ। तो फ्रेंड्स, मैं लेता हूँ अभी मजे स्वाल का, सो अमेजिंग है सच में, यहाँ पे इतनी ठंड में हमें खाने को मिल जाए मलाई, और जो हमारी यहाँ पे रोटी है हमारी गाँव की, ये बहुत फेमस होती है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे है मलाई, सचमुच में मजा आ रहा है मुझे। इशू थैंक यू सो मच यार, इतने अच्छे भोजन के लिए ना, सुबह सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट, और मज़ा आएगा, उसके बाद हम जाएंगे ब्लॉगिंग करने ऊपर वाले पहाड़ पे। सो देखते हैं कि मलाई के साथ आज कैसा यहाँ पे फीलिंग आती है हमें। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम तैयार हैं ऊपर वाली पहाड़ी पे जाने के लिए। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि समय हो चुका है 10 बज चुके हैं, और अभी भी यहाँ पे धूप आने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है। 10:30 हो रहे हैं, तो हल्की सी धूप की किरणें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फीलिंग आती है जो धूप आएगी। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि सामने वाले पहाड़ी के ऊपर जो है बादल तैर रहे हैं, और ये सूरज की किरणें धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये भाई सूर्य की किरणें हमारी तरफ, और थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी हमें धूप से, क्योंकि सुबह से हम लोग काफ़ी ठंड खा चुके हैं।
कि सुबह से इतनी ठंड थी यहाँ पे कि बिल्कुल बाहर निकल भी नहीं पा रहा था आदमी, बहुत ज़्यादा ठंड है। क्योंकि सामने जो है वो हमारा हिमालय पर्वत है, तो यहाँ पे ठंडी हवा की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और यहाँ पे कोहरा भी बहुत गिरता है। तो वो धूप आई है तो हल्का सा सुकून आया है। अब हमारा सफ़र जो है शुरू हो रखा है, ऊपर वाला माउंटेन है उस पर जाएंगे, और मेरे साथ है ईशु जो कि मेरी काफ़ी सारी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, और मेरे लिए यहाँ पे खाना वाना सब कुछ फ्री ईशु की तरफ से। और मुझे जाना है अभी, यहाँ से होगा 3 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर, फिर वहाँ पे जाके देखते हैं कि कितना अच्छा व्यू पॉइंट है वो। बस अब रह चुका है 1 किलोमीटर, और आपको बता दें कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं यहाँ पे धूप हमको अच्छी खासी मिल रही है दिखने को, और अच्छी गर्माहट फील हो रही है। नहीं, फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे जो गेहूँ है वो तैयार हो रखी है, देखिए आप, ये गेहूँ की पौधे हैं, देखिए आप, और ये गेहूँ के खेत हैं। तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे गेहूँ के ये खेत दिखाई दे रहे होंगे आपके, लंबे लंबे खेत होते हैं यहाँ पे। तो एक और चीज़ दिखाते हैं जो कि दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, देखिए आप, ये आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, और इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यीशु क्या बोलते हैं इनको, परशुल। तो भाई इनको बोलते हैं परशुल। तो ये देख रहे हैं आप परशुल कितने अच्छे खूबसूरत नजर आ रहे हैं, देखिए आप परशुल। तो ये हैं भाई परशुल, जो भाषा है गढ़वाली भाषा है उसमें बोलते हैं इसको परशुल। तो परशुल का ये मतलब हुआ कि ये वाली घास होती है, देखिए सेम ये वाली घास होती है, देखिए ये घास होती है, और इसको काट के इनकी गड्डियाँ बनाई जाती हैं, और फिर किसी पेड़ के सारे दोनों तरफ से यूँ लगाई जाती हैं, टेढ़े में यूँ करके ऐसे में लगाई जाती हैं। और इसको इसलिए लगाया जाता है कि जब अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो हमारे यहाँ पर सर्दियों वाली बारिश होती है लगभग 10 या 15 दिन के लिए, तो उसमें गाय बच्चियाँ हमारी घर पर ही रहती हैं, जंगल नहीं जा पाती हैं बारिश की वजह से, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी परसुल की घास को हम अपने गाय बच्चों को खिलाते हैं। और दूसरी बात, इसको इस टाइप में इसलिए लगाया जाता है कि जो ऊपर से बारिश का पानी होता है वो पानी घास के अंदर नहीं जाता है बल्कि सीधा तैर लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी घास होती है जो कि हमारे जानवरों को बरसात के टाइम बिल्कुल सेफ रखती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा परसुल जो कि हमारी मदद बहुत अच्छे ढंग से होती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं व्यू हमारा सामने से ऐसे दिखाई दे रहा है, ये देखिए हिमालय पर्वत सामने दिखाई दे रहा है, और थोड़ी सी दूर पे है हमारी मंजिल जहाँ पे कि जाके हम थोड़ा सा बैठेंगे और सुकून फील होगा, और वहीं से दिखेगा हमारा पूरा व्यू। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँचा हूँ तप्पड़ व्यू पॉइंट में, और इस जगह का नाम है तप्पड़। जगह का नाम मालूम नहीं है मुझे, बट यीशु बता रहा है कि इसको तप्पड़ के नाम से जानते हैं। तो तप्पड़ उस जगह को बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद, पहाड़ पे चढ़ने के बाद ऊपर जो एक प्लेन सी जगह आती है उसको बोलते हैं तप्पड़। तो हमारी गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं तप्पड़। सो फ्रेंड्स, आप ये भी बोल सकते हैं कि एक ऊपर पहाड़ के ऊपर एक मैदान। तो मैं हूँ अभी तप्पड़ में, जहाँ पे कि बहुत ही अच्छा व्यू हमको देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, 2-3 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमें यहाँ पे जो देखने को मिला सो अमेजिंग है, और मैं ले चलता हूँ आपको उस ओर। ये देखिए आप कितना सुंदर है, सामने जो हिमालय पर्वत है और ये पहाड़ आपको शिखर दिखाई दे रही होंगी, बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट है। और मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर को घुमाता हूँ तो चारों तरफ हमें आसमान नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा आसमान नज़र आ रहा होगा, सो अमेजिंग है। और फ्रेंड्स, मेरे साथ है यीशु, और यीशु यहाँ पे आता रहता है, तो पूछते हैं यीशु कैसे आता है यहाँ पे। हाँ यीशु बताओ। तो भैया, जब हम गाय चराने आते हैं, गाय या फिर यहाँ पे जब गाय भाग जाती है तो हम यहाँ पे आते हैं, तो फिर हम खेलते हैं, मस्ती करते हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और कई बार तो यहाँ पे बर्फ पड़ी है तो उसे देखने में और मस्त लगता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा घर कहाँ पे। चलो भाई, तो यीशु का घर देखते हैं कहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे। हाँ, कहाँ पे, कोने में, कहाँ पॉइंट पे जो बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस साइड में काफी नीचे है। हाँ, तो उधर की साइड। हाँ, तो भाई आप देख सकते हैं इस पहाड़ी के जस्ट नीचे यीशु का घर है, वहाँ पे मेरे ख्याल से शायद अभी धूप आ गई होगी,
तो सो अमेजिंग है इसो, इतने अच्छे लोकेशन में रहता है, सच में यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मजा आता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ पे ये। तो और मूव करते हैं, कितने अच्छा प्लॉट है ये यहाँ पे, कितना अच्छा तप्पड़ है, और सच में यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमको लग रहा है। और आज मेरे पास अपना टेंट होता, मेरे को मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी लोकेशन है, नहीं तो मैं टेंट लेके आता और आज यहीं पे मेरा रुकना होता। बट मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँगा और रात को रुकूँगा अपने टेंट के साथ में। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सामने वाला कौन सी जगह, देवी खाल। ये सामने जो दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर होगा यहाँ से, ये देवी खाल है। देवी खाल की मंदिर भी है वहाँ पे। कौन सा मंदिर है ये? माता का मंदिर है। ये माता का मंदिर है और ये व्यू है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को हमको मिलता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है। सामने हमारा हिमालय है और उसके बाद ये सारा व्यू आ जाता है देखने के लिए। और ये ले चलते थोड़ा सा आपको इस पहाड़ी की इधर, तो हमको नज़र आते एक दो गांव। ये कौन सा गांव है नीचे? तो आपको मेरे सामने ये सामने नज़र आ रहा है जो ये है ढासी गाँव, वो कौन सा वाला, वो उस साइड में दिखाई दे रहा कोने में, वो बलवन। एक और नीचे गांव दिखा रहा है हमें, बलवन गाँव, बलवन करके कोई गांव है। और मैं दिखाता हूँ आपको इस साइड में कटघर है, ये गांव के नाम है कटघर, और उस साइड में हो गए आपके काफ़ी सारे गांव हैं। तो भाई मैं बता दूं आपको कि मेरा जो घर है वो सामने वाली पहाड़ी पे है, जो लास्ट वाली पहाड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, वहाँ मेरा घर है। तो सो अमेजिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हमें यहाँ पे बैठने पे। और आप धूप देख सकते हैं, धूप भी बहुत अच्छी लगी है। नीचे ईशु के घर में तो इतनी ठंड थी ना कि हम लोग निकलने में बहुत ठंडा फील हो रहा था। बड़ारे पहाड़ों में जो सबसे ज़्यादा खेल खेला जाता है वो है क्रिकेट। तो सच में यहाँ पे एक ही चीज़ मुझे याद आता है कि ये क्रिकेट के लिए जो ये वाला मैदान है, सच में बहुत ही अच्छा मैदान है। यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत ही बेस्ट जगह है, ऊंचा है और व्यू है, हवा है यहाँ पे और धूप भी बहुत अच्छी है। हमको जो सामने वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है सामने, ये यहाँ से होगा करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हमको ऐसे घूम के जाना होता पहाड़ों में, एकदम स्ट्रेट तो जा नहीं सकते, घूम के ही जाना होगा। और वहाँ पे चल के यहाँ भी हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो सचमुच में बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत ही अच्छा व्यू, यहाँ से भी ज़्यादा अच्छा व्यू वहाँ से नज़र आएगा हमें। पर हम पहुँच पाते हैं या नहीं, प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें। और हम चल रहे हैं उस व्यू पॉइंट के लिए जो सबसे टॉप में है, ऊपर वाले में। हम वहाँ पे तक तो नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि यीशु बता रहा है कि वहाँ पे जानवरों का डर है, खतरा है। तो हम दो लोग हैं इसलिए रिस्क लेना अच्छा नहीं है, पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे किसी की आवाज़ तक नहीं सुनाई देगी नीचे तक। तो हम वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते, बस थोड़ा सा ही रह गया था लास्ट, वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकते। बट हम जो नीचे वाली पहाड़ी है उस पर चल के देखते हैं कि यहाँ से कैसा नज़र आता है। सो फ्रेंड्स आप बने रहे हमारे साथ और हम ले चलते हैं आपको दूसरे वाले व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, आप देख सकते हैं। आ जाए सु, तो ये अरे आ जाए यहाँ पे, आ जाए यहाँ पे, तो कोई डर नहीं है यार, क्यों डर रहा है इतना। ऊपर हम ऊपर वाले पे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे यीशु बता रहा था कि भालुओं का डर है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। सो फ्रेंड्स बच चुके हैं दो और हम हैं ऊपर वाले पहाड़ी पे, जो सबसे ऊपर टॉप का पहाड़ी था उस पे नहीं चढ़ पाए हम, जिस पे हमको जाना था। थोड़ा सा 1 किलोमीटर के आसपास रह चुका है, यीशु बोल रहा है कि भाई वहाँ पे जानवरों का डर है इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे बिल्कुल भी नहीं, लाइफ इंजॉय करने के लिए है, टेंशन पाने के लिए नहीं है। सो गाइज मेरे सामने है देखिए खाना, तो ये पत्थर मिला मुझे, मैंने रोटी निकाली इसके ऊपर रखी और आज पत्थर के ऊपर रोटी रख के खाएंगे तो इसका आनंद ही कुछ और होगा। और मेरे सामने है ये खूबसूरत पेड़, देख सकते हैं कैसी लोकेशन में बैठा हुआ हूँ मैं और मुझे बहुत ही आनंद फील हो रहा है यहाँ पे। और मेरे पीछे का व्यू भी आप देख सकते हैं, बहुत सो अमेजिंग है। और भाई यहाँ पे रोटी खाने का ना सच में बहुत ही आनंद है, बहुत मज़ा आता है जब हम लोग यहाँ पे रोटी खाएंगे। तो देखिए ये इशू है जो मज़े ले रहा बहुत, और मैं भी। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना फ्रेंड्स, फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपना खाना, सो अमेजिंग है भाई। अब हमारा सफर जो है व्यू पॉइंट का वो हो चुका खत्म, अब जा रहे हैं हम घर के लिए।
आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स आप देखते हैं, मैं देखता हूं कि काफी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं बट कमेंट्स नहीं करते हैं। यदि आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे और ताकत मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए, और अच्छे से जाने के लिए भी मुझे हिम्मत आती है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी जगह जाऊँ और वीडियोज बनाऊँ। तो फ्रेंड्स प्लीज आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू। और भैया ने यही कह रहे हैं कि भैया ने काफी वीडियो बनाई और मैंने भी काफी वीडियो देखी भैया की, तो आधी से आधी में कमेंट थे ही नहीं। तो गाइस मैं आपसे प्लीज हेल्प मांग रहा हूँ कि आप भैया की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे, और पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। तो हम ऊपर वाली पहाड़ी पर पहुंचे हैं तो ये वाला व्यू हमें नजर आता है यहाँ से। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा यहाँ से लग रहा है हमको दिखने में। और ये ऊपर वाली पहाड़ी है जिसपे कि हम हैं अभी। फ्रेंड्स अब मेरा सफ़र शुरू हो रहा है अपने घर के लिए, क्योंकि मैं कल से यहाँ पे रुका हुआ था यीशु के साथ में, और मुझे यहाँ पे यीशु के घर पे काफ़ी कुछ खाने को मिला है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं यीशु के दादाजी जो बुजुर्ग हैं, और मिलते हैं उनसे और विदा लेते हैं और निकलता हूँ मैं अपने घर के लिए। फिलहाल ये हैं मेरे पास यीशु के दादाजी। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलना ही चाह रहा हूँ कि अभी रुको, अभी जाने की क्या आवश्यकता है। अरे अभी हो सकता है मौसम बारिश का बन रहा है। जी जी जी। तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो जाए एकदम, फिर वो बर्फ गिरे यहाँ, तो उसको देखने के लिए जिस पर्पज से आप आए हैं तो वो भी। तो भाई ये थे यीशु के दादाजी जो कि मुझे अभी बता रहे हैं कि अभी यहाँ पे कभी भी, क्योंकि ये पहाड़ है तो यहाँ पे कभी भी बर्फबारी हो सकती है। जैसे ही यहाँ पे बारिश शुरू होती है एक दो दिन के बाद यहाँ पे बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, और ये नहीं है कि बर्फ कब गिरेगी, ये कंफर्म नहीं है, बट कभी भी गिर सकती है। तो फिलहाल अभी तो मुझे कई काम है घर पे, मुझे जाना ही होगा, पर यीशु के दादाजी से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। प्रेशर कर रहे थे कि भाई यहीं पे रुको। सो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग था मेरी।